जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान श्री श्याम सुंदर तथा भगवती श्री राधा रानी की अपने ऊपर सदा अनंत कृपा समझनी चाहिए। समझनी क्या है, वह तो सदा सर्वदा है, हर अवस्था में उनकी कृपा कार्य कर रही है। यदि हर स्थिति में उनकी प्रसन्नता को, सुख को तथा उनके मधुर मनोहर मृदुल हास्य युक्त मुख कमल को ही देखा जाए तो प्रत्येक परिस्थिति उनको सुख देने वाली होने के कारण परम सुखमयी हो जाती है। दूसरी बात, नित्य निरंतर उनको अपने अत्यंत निकट एवं सब कार्यों में साथ देखना चाहिए तथा केवल मन बुद्धि से ही नहीं इंद्रियों से भी उनका दिव्य संस्पर्श प्राप्त करते रहना चाहिए। साधक को चाहिए कि जरा भी बहम न करे और बीमारी का तनिक भी चिंतन न करके निरंतर भगवत चिंतन ही करता रहे। मैं बीमार न सोचकर मैं प्रभु का निजन, प्रभु का अपना सेवक, प्रभु का कृपा पात्र, यों सोचे और निश्चय करें। भगवत प्रेम में यह मान्यता सहज होती है। भगवान हमारे परम प्रेमास्पद हैं, उनका मन जिस बात में राजी हो उसी में हम राजी हैं, चाहे वह बात हमारे लिए कितनी ही विपरीत क्यों न हो। प्रेमास्पद यदि प्रेमी को समीप न रखकर बहुत दूर रखने में ही प्रसन्न है तो प्रेमी इस वियोग दुख को सुख के रूप में अनुभव करता है, क्योंकि उसे तो प्रेमास्पद के सुख में ही सुख है। जब भगवान का कोई मंगल विधान हमारे मन के प्रतिकूल हो तब हमें यह मानना चाहिए कि भगवान ऐसा ही चाहते हैं, तुरंत हमारे मन की प्रतिकूलता अनुकूलता के रूप में परिणित हो जानी चाहिए। क्योंकि हमें तो प्रेमी के नाते भगवान की प्रसन्नता में ही परम सुख का अनुभव करना है। चातक के प्रेम की इतनी महत्ता इसी से है कि वह अपने प्रेमास्पद मेघ के बुरे बर्ताव पर जरा भी ध्यान न देकर नित्य सहज ही मेघ के प्रति अनन्य प्रेम रखता है। चातक के इस आदर्श के अनुसार जो प्रेमास्पद भगवान की राजी में ही परम प्रसन्न है वही प्रेमी है, वही हमारे लिए आदर्श है। भजन में संतोष न होना, कमी दिखना तो गुण ही है, परंतु भजन होना चाहिए अवश्य। भजन न होने पर मन का दुखी रहना सौभाग्य की बात है। भजन न होने का दुख ही भजन कराता है। यह भजन के अभाव का दुख यदि पराकाष्ठा को पहुंच जाए तब तो भजन उसका जीवन ही बन जाता है। पर भजन होता है मन से। मन जब संसार के प्राणी पदार्थों में कभी अधिक आसक्त होकर उनके सुख दुख का अधिक अनुभव करने लगता है तब भजन कम होता है अथवा छूट जाता है। इस अवस्था में यदि भजन न होने का दुख भड़क उठता है, भजन न होने की पीड़ा जाग उठती है तो भजन पुनः होने लगता है और सुंदर होता है। तद विस्मरणे परम व्याकुलता, भगवान को भूल जाने पर परम व्याकुलता होनी चाहिए। यही तो भक्ति है। सबसे पहली और सबसे आखिरी बात तो एक ही है, एक भी क्षण हमारे जीवन का प्रभु की पवित्र तथा मधुर मधुर स्मृति से रहित नहीं बीतना चाहिए। भगवान की यह वाणी सदा याद रहे, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। जय श्री राधे।